हेलो गाइस वेलकम बैक टू के टूके मोटो फ्लॉग्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप सेवन बेस्ट ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स के बारे में अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स जिनको आप मार्केट में चार लाख रुपए के आसपास परचेज कर सकते हो दोस्तों मार्केट में वैसे तो ट्विन सिलेंडर इंजन वाली काफी सारी बाइक्स हैं लेकिन चार लाख रुपए के अंदर कौन सी अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इस लिस्ट के अंदर टोटल सात बाइक्स हैं स्टार्ट करते हैं लास्ट नंबर से सेवंथ बाइक है क्यूजे मोटर्स की एस आर वी थ्री हंड्रेड क्यूजे मोटर्स रिसेंटली अपनी न्यू बाइक्स को इंडियन टूलर मार्केट में लेके आई है जिसकी एस आर वी थ्री हंड्रेड एक प्योर क्रूजर टाइप की बाइक है जिसका एक्श्योरम प्राइस थ्री लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड से लेके थ्री लाइक फिफ्टी नाइन थाउजेंड तक है और बाइक का ओनर प्राइस आपको चार लाख रूपए के आसपास मिलेगा इस बाइक के अंदर आपको वी ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाएगा जो टू नाइनटी सिक्स सी का वी ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एसओ एच सी एट वर्ल्स वाला इंजन है जिसकी पावर थर्टी पॉइंट सेवन टू पी एस है और ट्वेंटी सिक्स न्यूट्रन मीटर का टोर्क है जिसके साथ में सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है बाइक की सबसे बड़ी एसपी अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है रियर में ट्विन चोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं बाइक की फूल्टिंग कपेसिटी थर्टीन पॉइंट फाइव लीटर्स की है और बाइक में वन ट्वेंटी अपोन एट्टी सेक्शन का फ्रंट टायर है जो सिक्सटीन इंच का फ्रंट व्हील है वन फिफ्टी अपोन एट्टी सेक्शन का रियर टायर है जो फिफ्टीन इंच का रियर व्हील है बाइक में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं और बाइक की सीट हाइट भी काफी लो है जो है 700 हंड्रेड mm एम की शोर्ट राइडर्स के लिए यह बाइक काफी कंफर्टेबल रहेगी और बाइक का वेट भी काफी कम है 164 सिक्सटी फोर के जी सो बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है टू एटी एम की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है टू फोर्टी एम की रियर में डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूबल चैनल ईवीएस है इस बाइक में आपको ओल्ड एलईडी लाइट्स का सेटअप मिलेगा फ्रंट में काफी अच्छी एलईडी हेडलाइट है एलईडी डी आर एल्स और राउंड शेप का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी है और बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है इस बाइक के साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स कर सकते हो 300 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो बाइक उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन इस बाइक के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाएगा और बाइक का एक जोस्ट नोट भी काफी अच्छा है जिसमें आपको काफी अच्छे सुपरवाइड ट्यूबलेस जाएंगे अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाएंगे ओल्ड एलईडी लाइट्स का सेटअप मिल जाएगा सो so ये थी सेवंथ बाइक क्यूजे मोटर्स की एस आर वी थ्री हंड्रेड अब बात करते हैं सिक्स बाइक के बारे में और सिक्स बाइक भी क्यूजे मोटर्स की तरफ से ही है जो है एस आर के फोर हंड्रेड एस आर के फोर हंड्रेड एक प्योर नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है जिसके अंदर काफी अच्छा स्पोर्टी डिजाइन और स्टाइल है बाइक के ओवरऑल लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये बाइक मार्केट में के डीएम की ड्यूक थ्री नाइन के साथ कम्पीट करती है बाइक में काफी अग्रेसिव डिजाइन और स्टाइल दिया गया है और फ्रंट से देखने में बाइक एकदम सुपर बाइक की जैसी लगती है जिसके अंदर आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिल जाएंगे काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे बाइक में ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप दिया गया है और बाइक का एक्श्यम प्राइस है थ्री लैक् सिक्सटी थाउजेंड से लेके थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड और बाइक का ऑनरऑल प्राइस आपको चार लाख रूपये से लेके लाख बीस हजार रूपए के, के आसपास मिलेगा बाइक के अंदर इन लाइन ट्विन सिलेंडर फोर हंड्रेड सीसी लिक्विड कोल्ड डीओ एच इंजन है जिसकी पावर है फोर्टी वन पॉइंट फोर सिक्स पी एस टोर्क है थर्टी सेवन न्यूटन मीटर का और बाइक में फाइव स्पीड गियर बॉक्स भी है सो ये बाइक फोर हंड्रेड सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी पावरफुल है जिसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन भी मिल जाएगा बाइक की फिलोटिंग कपेसिटी थर्टीन पॉइंट लीटर है और बाइक अपनी सेगमेंट में काफी पावरफुल है जिसका डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है 260 सिक्सटी mm एम की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है 240 फोर्टी mm एम की रियर में डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूबल चैनल ईवीएस भी है इस बाइक का वेट है वन एट्टी सिक्स के जी सीट हाइट है सेवन एट्टी फाइव एम एम और बाइक में आपको वन हंड्रेड टेन सेवेंटी सेक्शन का फ्रंट टायर मिलेगा वन फोर्टी सेवेंटी सेक्शन का रियर टायर मिलेगा जो फ्रंट और रियर में दोनों ही सेवनटीन इंच के व्हील्स है इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छे ट्यूबलेस टायर्स है और बाइक में ओर एलईडी लाइट्स का सेटअप भी है फ्रंट में काफी अच्छे शार्प डिजाइन वाली एलईडी हेडलाइट है एलईडी इंडिकेटर्स है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और एलईडी टेल लाइट का डिजाइन भी काफी अच्छा है सो ये थी सिक्स बाइक क्यूजे मोटर्स की एस आर के फोर हंड्रेड जिसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाएगा काफी अच्छे टायर्स मिल जाएंगे और एलईडी लाइट्स का सेटअप मिल जाएगा अब बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में जो है कीवे की वी थ्री जीरो टू सी कीवे की वी थ्री जीरो टू सी भी काफी अच्छी कंफर्टेबल क्रूजर टाइप की बाइक है जिसका राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है और इस बाइक के ओवरऑल लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं इस बाइक का एक्श्योरूम प्राइस थ्री लैख एटी नाइन थाउजेंड से लेके फोर लैक नाइन थाउजेंड तक है और बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड के, के आसपास मिलेगा इस बाइक के अंदर टू एट सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है जिसकी पावर थर्टी पी एस है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर का टोर्क है और सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की है इस बाइक के अंदर भी आपको ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप मिलेगा फ्रंट में राउंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट है जिसके अंदर एलईडी डी भी हैं राउंड शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है एलईडी टेल लाइट है और बाइक में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं 300 एमएम mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है 240 एमएम mm की रियर में डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड डुअल चैनल एबीएस है बाइक में वन ट्वेंटी अपोन एट्टी सेक्शन का फ्रंट टायर है जो सिक्सटी इंच का फ्रंट व्हील है वन फिफ्टी एपोन एट्टी सेक्शन का रियर टायर है जो फिफ्टीन इंच का रियर व्हील है बाइक की सीट हाइट सिक्स नाइनटी एम की है शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक भी काफी कंफर्टेबल मशीन है जिसके आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिल जाएगी और बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है की इसके अंदर अप डाउन फ्रंट फोक्स है रियर में ट्विन चो एब्सॉर्बर सस्पेंशन है और साथ ही बाइक के लुक्स ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छी है बाइक में प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल दिया गया है और बाइक के अलोविल्स का डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है फोर्थ बाइक के बारे में बात करते हैं जो है कावासाकी की निंजा 300. हंड्रेड 300 थ्री अपनी सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मशीन है जिसके अंदर काफी अच्छा एरोडाने एग्रेसिव डिजाइन और स्टाइल है लेकिन बाइक का राइडिंग पोस्चर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है बाइक के एलोवे का डिजाइन काफी अच्छा है बाइक के फ्रंट लुक्स काफी अच्छे हैं बाइक की साइड फेरिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा है और रियर लुक्स भी बाइक के काफी अच्छे दिए गए हैं इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसका एक प्राइस है थ्री लैख थर्टी सेवन थाउजेंड और बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको थ्री लाइक एटी थाउजेंड केसपास मिलेगा बाइक में टू नाइन्टी का पैरल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कोल्ड इंजन है जिसकी पावर थर्टी नाइन है ट्वेंटी न्यूटन मीटर का टोर्क है सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है और बाइक की फुल टाइम कैपेसिटी सेवेंटीन लीटर की है जो सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छी है ये बाइक पिलियन के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है लेकिन बाइक के परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छी है टू नाइन mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है टू ट्वेंटी mm की रियर में डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड डुबल चैनल ईवीएस है इस बाइक में वन हंड्रेड टेन अपॉइंट सेवेंटी सेक्शन का फ्रंट टायर है सेक्शन का रियर टायर है जो कि दोनों ही सेवनटी इंच के व्हील्स हैं। सो बाइक में काफी अच्छे सुपरवाइड ट्यूबलेस टायर्स भी हैं, जो रोड पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रिप प्रोवाइड करते हैं बाइक का वेट वन सेवेंटी है और सेवन एटी एम की बाइक की सीट हाइट है सो सोसा की निंजा थ्री भी एक काफी अच्छे प्राइस में आने वाली ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक है जिसकी परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में काफी अच्छी है लेकिन इस बाइक के अंदर आप इलेक्ट्रिकल फीचर्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे ना ही बाइक में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिलेंगे क्योंकि बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं हेडलाइट है एनालॉग प्लस डिजल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और एलईडी टेल लाइट है रियर में सो so ये थी फोर्थ नंबर पे पर की निंजा थ्री जिसको आप चार लाख रूपए के आसपास परचेज कर सकते हो अब बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में सो so थर्ड बाइक है रोलिन फील्ड की इंटरसेप्टर सिक्स और सेकंड बाइक है कॉन्टिनेंटल जीटी सिक्स फिफ्टी ये दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं इंटरसेप्टर 650 का एक्शोरूम प्राइस टू लैख एटी नाइन थाउजेंड से लेके थ्री लाख फोर्टीन थाउजेंड तक है और बाइक का ओनर प्राइस आपको थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड से लेके थ्री लाइक सेवेंटी थाउजेंड के आसपास मिलेगा कॉन्टिनेंटल जीटी का एक्शोरम प्राइस थ्री लाख फाइव थाउजेंड से लेके थ्री फोर्टी थाउजेंड तक है और इस बाइक का ऑनर प्राइस आपको थ्री सिक्सटी थाउजेंड से लेके थ्री थाउजेंड के आसपास मिलेगा सो रोल फील्ड की कॉन्टिनेंटल जी टी सिक्स फिफ्टी और इंटरसेप्ट सिक्स फिफ्टी ये दोनों बाइक्स आप चार लाख रुपए के आसपास परचेज कर सकते हो इन दोनों बाइक्स की अपनी सेगमेंट में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है और बाइक के ओवरऑल लुक्स डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छी हैं। दोनों बाइक्स में 648 सीसी का पैरला ट्विन सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कोल्ड इंजन है जिसकी पावर 47.65 सेवन पॉइंट है और 52 टू मीटर का टॉर्क है जिसके साथ में सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी है अपनी सेगमेंट में दोनों बाइक्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और दोनों बाइक्स का इनिशियल एक्सलेशन और पिकअप भी काफी ज्यादा अच्छा है रॉयल एनफील्ड के अलावा और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको चार लाख रूपये के प्राइस में सिक्स फिफ्टी सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक ऑफर करेगी सो इसी वजह से रॉयल एनफील्ड की ये दोनों बाइक्स काफी वैल्यू फॉर मनी मशीन है अपनी सेगमेंट में दोनों बाइक्स की फिल्टिंग कपेसिटी थर्टीन पॉइंट सेवन लीटर्स की है दोनों बाइक्स में थ्री ट्वेंटी एम की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है टू फोर्टी एमएम की रियर में डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूबल चैनल ए है हंड्रेड अपॉन्ट सेक्शन का फ्रंट टायर है वन थर्टी सेवेंटी सेक्शन का रियर टायर है फ्रंट और रियर में दोनों ही एटीन इंच के व्हील्स हैं दोनों बाइक्स में काफी अच्छे टायर्स भी दिए गए हैं दोनों बाइक्स का वेट है 202 हंड्रेड और सीट हाइट है 804 हंड्रेड mm. दोनों बाइक्स में आपको हेलोजन टाइप की हेडलाइट मिलेगी एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा और दोनों बाइक्स के अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे और दोनों बाइक्स का एक जोस नोट भी काफी ज्यादा अच्छा है सो रोल फील्ड की इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जी टी सिक्स भी काफी अच्छी बाइक्स हैं जो आपको चार लाख रुपए के आसपास मिल जाएंगी जिनके अंदर सिक्स फिफ्टी सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर वन बाइक के बारे में इस लिस्ट की नंबर वन बाइक है रोयल एनफील्ड की ही सुपर मीट्योर सिक्स फिफ्टी ये बाइक रिसेंटली ही मार्केट में लॉन्च हुई है जिसके अंदर इंटरप्टी

रॉयल एनफील्ड ने अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स प्रोवाइड किए हैं और बाइक के अंदर काफी अच्छे एलोवेल्स भी हैं जिनका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है और इस बाइक के अंदर भी ड्यूबल एक्जोस सिस्टम है बाइक का एक्जोस्ट नोट भी काफी ज्यादा अच्छा है ये बाइक पिलियन के लिए भी काफी कम्फर्टेबल है और राइडर के लिए भी काफी कम्फर्टेबल है बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी अच्छा है और साथ ही ये बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफी कंफर्टेबल रहती है बाइक के अंदर राउंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट है एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी रोल एनफील्ड ने ऑफर किया है सुपर मीटियोर सिक्स फिफ्टी का शोरूम प्राइस थ्री लाइक फिफ्टी थाउजेंड से लेके थ्री लाइक सेवेंटी एट थाउजेंड तक है और बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको चार लाख रुपए से लेके चार लाख तीस हजार रूपए के आसपास मिलेगा सो सुपर मीटिश फिफ्टी भी अपनी सेगमेंट में काफी वैल्यू फॉर मनी मशीन है क्यूँकी इस बाइक के अंदर भी आपको सिक्स फिफ्टी सी सी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाएगा बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में काफी अच्छी है बाइक के अंदर प्रीमियम फीचर्स भी है और इस बाइक में थ्री ट्वेंटी एम एम की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है थ्री हंड्रेड एम एम की रियर में डिस्क ब्रेक है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डल चैनल यस yes है और बाइक में हंड्रेड अपनाटी सेक्शन का फ्रंट टायर है जो की नाइनटीन इंच का व्हील है फ्रंट में वन फिफ्टी एट्टी सेक्शन का रियर टायर है जो सिक्सटी इंच का रियर व्हील है फ्रंट और रियर में दोनों ही काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टाय बाइक में और बाइक का वेट है टू फोर्टी सीट हाइट है 740 फोर्टी mm। एम बाइक की सीट हाइट काफी कम है शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक काफी कंफर्टेबल रहेगी लेकिन बाइक का वेट थोड़ा सा ज्यादा है सो so दोस्तों ये थी टॉप सेवन बेस्ट ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स जिनको आप मार्केट में चार लाख रुपए के आसपास परचेज कर सकते हो ये सभी बाइक्स मार्केट में सबसे अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स है लेकिन इन सब बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सो इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ